लोग कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अरे जिसके सेब के बगीचे हैं ना, उनसे पूछो कि वो पैसे तो पेड़ पर ही उगते हैं। दोस्तों नमस्कार, हिमाचल में अगर फलों का कोई राजा है तो वो है सेब, क्योंकि हिमाचल में जितने भी फलों का टोटल एरिया है उसका लगभग 49% हमारे सेब घेरते हैं, और पूरे देश में सेबों का जितना भी उत्पादन होता है उसका 40% हिमाचल में होता है, और इन सेबों के लिए सफेद खाद का काम करती है हमारी बर्फ, जो हिमाचल के थोड़े लोअर एरियाज में उसी दिन पड़ी थी जब हमने हिमाचल में बर्फ क्यों नहीं हो रही है का वीडियो डाला था। राइटर ने क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? खैर, सबसे पहले बर्फ क्यों जरूरी है सेबों के लिए ये जान लेते हैं। देखो सेब जो है वो एक वाइट मैन्योर के रूप में जाना जाता है फार्मर्स के बीच में, इतनी इंपॉर्टेंस इसकी है। जैसे मैन्योर की इंपॉर्टेंस होती है कि न्यूट्रिशन मिलती है, तो इट इज़ ए वाइट मैन्योर, और इसकी वजह से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो जो प्रॉपर चीलिंग चाहिए होती है टेम्परेट फूड्स को, चाहे सेब है या चेरी है या दूसरी क्रॉप्स हैं, तो वो मिलती है इससे क्योंकि ठंड बढ़ती है इससे, और दूसरा धीरे धीरे जो है पानी क्रॉप को मिलता है इससे। बस से जब स्नोफॉल धीरे धीरे पड़ता है और वो धीरे धीरे पानी को रिलीज़ करता है तो स्लोली पानी जो है ज़मीन में जाता है और रन ऑफ नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा होता है। तो स्नो की बहुत इंपॉर्टेंस है स्पेशली इस रीजन के लिए, हमारे हिमालयन रीजन के लिए। तो चिलिंग आवर्स यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, और अलग अलग वेराइटी के लिए चिलिंग आवर्स की ड्यूरेशन अलग अलग रहती है। उनमें जैसे आपकी गाला बैठी वगैरह है, वो चिलिंग आवर्स जो है 500 से 700 घंटे लेते हैं। जो रॉयल वगैरह हमारा गोल्डन वगैरह है वो 1200 से 1500 घंटा लेता है। तो इस साल हमारे हिमाचल में स्नोफॉल बहुत लेट हुआ है, तो क्या इसका भी कोई असर हमारे सेब के पौधों पर पड़ेगा? देखो इस बार भी और कई सालों से ऐसा देखा गया है, ऐसे डाटा भी अवेलेबल है कि हमारा जो स्नोफॉल है जो सेब के लिए माना जाता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के मंथ्स में अगर स्नोफॉल होता है दैट इज़ कंसीडर्ड बेस्ट, उससे जो चीलिंग रिक्वायरमेंट है सेब की वो कंप्लीट हो जाती है। पर कुछ सालों से ऐसा देखा होगा कि ये स्नोफॉल जो है वो डिलेड हो रहा है, जैसे अप्रैल तक जा रहा है, मार्च में हो रहा है, विच इज़ नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर एप्पल क्रॉप। तो इस बार जैसे कम हुआ है, अभी हमारा फर्स्ट टाइम अभी हुआ है, मैं कहूँगा फरवरी में हुआ है, तो डिलेड है, पर फरवरी में हमारी रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ हमारी रिक्वायरमेंट चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होगी, पर अगर ये पहले होता तो इसको ज़्यादा फायदा होना था। नहीं, जो जितनी बर्फ आई वो लगभग सेब के लिए तो काफ़ी है, ज़्यादा आए तो बेटर है। लेकिन 2023 में हमने देखा कि पहले बारिश नहीं हुई, फिर गर्मियाँ भी बहुत जल्दी आ गई, तो क्या इसका असर भी हमारे सेब के पौधों पर पड़ा था? देखो अपने 2022-23 की अगर आप सीजन को याद करेंगे, एकदम टेम्परेचर मार्च में राइज हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारी फ्लावरिंग जो है लगभग 15 दिन पहले आ गई थी सभी क्रॉप्स में, सेब में भी और स्टोन फ्रूट्स जैसे पीच प्लम एप्रिकॉट उसमें भी, तो हमारा सीजन अर्ली हो गया था, और बीच में ड्राउट पड़ा, तो ड्राउट की वजह से प्रॉपर फ्रूट सेटिंग नहीं हुई, की वजह से नेचुरली क्रॉप को बहुत इफेक्ट होता है, हमारा पूरा सीजन बदल जाता है। अच्छा, तो फ्लावर्स भी जल्दी आ गए, फ्रूट भी सेट नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कोई बुराई है क्या? न्यूट्रिशन का क्या होता है, न्यूट्रिशन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं तो अगर ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस कम एक्युमुलेट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि क्वालिटी कम हो जाती है। अगर ग्रोइंग सीजन लंबा रहेगा और ठंड भी पड़ी रहेगी तो उसमें क्वालिटी जो है मेंटेन रहेगी और अच्छी इंप्रूव्ड क्वालिटी होगी। तो जब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट हो रहा है, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो मतलब क्वालिटी तो डिग्रेड हो ही रही है, साथ ही अगर फल से फूल जल्दी बन जाते हैं, प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं मिलती है, तो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी घट जाती है। तो अगर कंडीशन सब कुछ नॉर्मल रहे तो हिमाचल में 3 से 4 करोड़ बॉक्सेस सेब के प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पिछले साल 2023 में पहले सूखा पड़ा, उसके बाद एकदम से गर्मी आ गई, उसके बाद बाढ़, बहुत सारी बारिश, लैंडस्लाइड और भी बहुत से कारणों की वजह से सिर्फ 1.7 करोड़ बॉक्सेस सेब के प्रोड्यूस हुए थे। आजकल की डेट में हमने अभी नई बाइकों पे गए हो, हम जैसे गाला हो गया,
रेड ब्लॉक्स हो गया, जेरोमाइन हो गया, किंग रोट हो गया, मेमा मास्टर हो गया, ये सब नई वैरायटी लगा रहे हैं। पहले के टाइम में जो था हमारे पास रॉयल था, रेड था, गोल्डन था, ग्रीन स्मिथ था, रेड गोल्डन था। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, कई बार ज़्यादा ड्राउट पड़ जाएगा, फ्रीक्वेंट ड्राउट्स आ जाएंगे, ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा, स्नोफॉल कम होगा, तो ये जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं इसको ऊपर कम करने के लिए हमें नई नई वैराइटीज़ डिवॉल्व करनी पड़ेंगी। और जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे हमारी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है या चाहे पालमपुर की यूनिवर्सिटी है, तो डिफरेंट क्रॉप्स में काम चल रहा है और नई नई वैराइटीज़ आएंगी। और हम स्टेट गवर्नमेंट जो है, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंदर बाहर से भी नई वैराइटीज़ ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हो रही है और फार्मर्स को दी जा रही है। तो एक डिफरेंट वैराइटीज़ के आने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी फार्म के फील्ड पे ऑर्चर्ड्स में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वैराइटीज़ भी हो रहा है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एट वैराइटी लेवल, दैट इज़ आल्सो ए गुड प्रैक्टिस टू अडेप्ट टू सच चेंजेस। गुलतर और बुजोरा में बहुत सारा सेब होता था, अब लगभग वहाँ पर जीरो है सेब। वहाँ पर लोग अनार लगा रहे हैं, जापानी फल लगा रहे हैं और नाशपाती लगा रहे हैं। अभी हिमाचल में क्या है ना कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सेब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सेब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं सब फलों में से। ऊपर से 1.5 से 2 लाख फैमिलीज ऐसी है जो कि हमारे सेब के उत्पादन पर निर्भर करती हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि 1500 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो प्रभाव हैं ये 2000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। हाँ, देखो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन को जहाँ पर भी प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी, वहीं पर ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे मैं पहले बताऊं कि हमारे यहाँ पर नौनी में हम अच्छा सेब ग्रो करते थे 20-25 साल पहले, तो ठंड भी पड़ती थी तो रॉयल भी होता था, गोल्डन भी होता था। पर जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब वो यहाँ पर वो वाली वैराइटीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं, तो वो ऊपर वाले एरिया में हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो जिस तरह से जब टेम्परेचर वहाँ भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे सारे बढ़ता रहेगा, स्नोफॉल कम होता रहेगा, तो वहाँ से और हायर एलिवेशन पे चली जाएगी वो, जहाँ पर उसको प्रॉपर कंजीनियल क्लाइमेट मिलेगा। और जब वहाँ पर भी ये चेंज बढ़ जाएगी तो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। साथियों, 2007-08 से लेकर 2021-22 में सेब के टोटल एरिया में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि नई वैराइटीज लाई जा रही है जलवायु के परिवर्तन को देखते हुए, लेकिन क्या सिर्फ सेब के उत्पादन पर निर्भर रहना ठीक रहेगा? अब आज में जो है सेब के प्लांट में जो है खर्चा, मतलब सेब में जो है खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, बढ़ गई दवाइयाँ, बढ़ गई खाद के ऊपर बढ़ गया, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, नाशपाती के ऊपर जा रहे हैं या अखरोट के ऊपर जा रहे हैं, आपका ये पानी फल के ऊपर जा रहे हैं, बीच बीच में पलम भी लगा रहे हैं। कुल्लू और ठियोग वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो ऑर्चर्ड्स के साथ साथ तो वेजिटेबल क्रॉप्स भी ले रहे हैं, पल्सीज ले रहे हैं और दूसरी क्रॉप्स और भी ले रहे हैं। तो उसकी वजह से ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से तो जो फार्मर की लाइवलीहुड सिक्योरिटी बनी रहती है। अगर क्रॉप एप्पल से नुकसान होता है तो उसको वेजिटेबल से बेनिफिट हो जाता है। तो फार्मर्स को डेफिनेटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, आप लोअर एरियाज में भी नया प्रोजेक्ट आया हुआ जिसमें सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको भी इसी वजह से एक प्रोजेक्ट आया कि भाई फ्रूट क्रॉप्स की वजह से ही हिमाचल की इकोनॉमी सस्टेन हो सकती है। क्योंकि जैसे हमारी जो दूसरी क्रॉप्स हैं, ठीक है, हमें ग्रो करनी चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें पेरिनियल क्रॉप से होने वाला है। क्योंकि जिस टाइप की क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, फ्रीक्वेंट ड्राउट्स आ रहे हैं, और तो ये जो हमारी पेरिनियल क्रॉप्स हैं, जैसे फ्रूट क्रॉप्स हैं, तो ये ज़्यादा देर तक इन स्ट्रेसेस को सहन कर सकती हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच भारद्वाज सर, थैंक यू वेरी मच किशन भैया, एंड थैंक्स टू आवर डियर ऑडियंस। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम बता दें कि अलग अलग इलाकों में किसानों की समस्याएं अलग अलग होती है। साथ ही ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, लेकिन इस वीडियो में इसे पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाया है।
हमने आज की स्थिति को देखकर हमारे सेब की क्या दशा दिशा हो रही है ये जानने की कोशिश की। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया या हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी बेहतर वीडियोज़ लाते रहें। बाय बाय।